आपका अपना ही YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम IT आर ट्रेड के टूल एंड इक्विपमेंट जो कि सब्जेक्टिव टाइप आज हम करेंगे, क्योंकि टूल जो होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट जो होते हैं, आपकी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या हाल ही में DRDO का एग्जाम होना है, उसके अंदर टूल से संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि आज आपको मैं डीपली करवाने वाला हूँ भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा जो टूल है वो किस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है, कौन सा उसका मटेरियल है, साइज है, कैसे वर्किंग करता है और कैसे उसको यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाई स्टेप। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन करेंगे स्टील रूल से संबंधित। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो स्टील जो रूल होता है वो इस तरीके से बना होता है। स्टील रूल सभी ने देखा हुआ होता है, वो स्टील से बना हुआ होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, स्टील रूल। स्टील रूल का जो प्रयोग जो किया जाता है कोई भी लाइन लगाने के लिए या कोई चीज़ को चेक करने के लिए, कोई माप लेने के लिए, जो कि स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका जो स्टील जो रूल जो होता है कौन से मेटल का बना होता है, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन हमें, क्योंकि ये देखिए अभी मटेरियल है और ये देखिए अभी ये बना होता है आपका स्टेनलेस स्टील का। जितने भी आपके स्टील जो रूल जो होते हैं वो हमेशा स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। उसके बाद में देखिए फ्रंट साइज, ये कौन सा आपका फ्रंट साइज है। फ्रंट साइज के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर जो मेजरिंग जो स्केल जो होती है वो मेट्रिक एंड वेटिज सिस्टम के अंदर इसके ऊपर मार्किंग की होती है, यानी मिलीमीटर के अंदर भी और सेंटीमीटर में भी। अगर हम देखेंगे इस स्टील जो रूल के बैक साइड में कोई भी स्टील रूल देखना, उसके आपको उसके ऊपर जो एक टेबल मिलेगी जिसके अंदर वो मिलेगी इंच में और MM में टेप साइज एंड ड्रिल साइज, एक टेबल मिलेगी। इंजीनियरिंग लाइन में उस टेबल का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। फोर पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है होल डाया, यानी स्टील रूल के ऊपर जितने भी आप स्टील रूल देखने को मिलेंगे उसके ऊपर 5 mm का एक होल मिलेगा। तो ये था आपका स्टील रूल। अब आपको बताते हैं भी जो स्टील जो रूल जो होते हैं वो कम से कम साइज का मार्केट में कितना मिलता है। ठीक है, नॉर्मल साइज की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है, तो वो होता है प्रिय विद्यार्थियों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 100 mm का। अगर इंच की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 4 इंच। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 150 mm होते हैं, ये आपके हो गए 6 इंच। उसके बाद में देखिए 20 सेंटीमीटर में हो गए आपके 200 mm, और इंच की अगर हम बात करें तो 8 इंच। उसके बाद में 30 सेंटीमीटर 300 mm बोले तो 12 इंच। ठीक है ना, तो इसी तरीके में रेंज में बढ़ते हुए जो सबसे बड़ा जो स्टील रूल प्रयोग किया जाता है वो 100 सेंटीमीटर और 1000 mm का। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो स्टील जो रूल है वो सबसे अधिक कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रिय विद्यार्थियों किया जाता है आपका 300 mm का, यानी 12 इंच वाला और 6 इंच वाला। इंजीनियरिंग लाइन के अंदर ये दो ट्राई स्क्वायर है वो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो इसकी विड्थ, जो स्टील जो रूल होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है ना, 6 इंच वाले की बात करें तो वो चौड़ाई होती है 14 से 15 mm, और 12 इंच वाले की होती है 29 से 30 mm। ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड साइज है और BIS और ISI के अकॉर्डिंग ये बनी हुई है। थिकनेस कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टील जो रूल जो होता है 1 फुट वाला, ठीक है 12 इंच वाला, उसकी जो है मोटाई कितनी होती है, वो होती है 1 mm की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम दो क्वेश्चन पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, कौन सा BIS और ISI। ठीक है ना, दोनों एक ही हैं। जब सबसे पहले लागू किया गया था, सबसे पहले जो एक संस्था बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग BIS रखा गया था, अब उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, ISI। पहले जितने भी आपके टूल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो आती हैं घरों में हम प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ आपको, जैसे कुकर है, कुकर पे देखना ISI लिखा हुआ मिलेगा, गैस सिलेंडर है ISI लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, और भी काफ़ी इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट हम प्रयोग करते हैं, जैसे आपका बल्ब है, CFL है। ठीक है ना, तो BIS का हमें पता होना चाहिए कि ये BIS की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये है प्रिय विद्यार्थियों आपका ब्यूरो ऑफ
इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है इसको भारतीय मानक ब्यूरो। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंग्लिश में तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, आईएसआई। आईएसआई का भी आपको पता होना चाहिए भी होता क्या है आईएसआई, ठीक है ना। आईएसआई का होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है भारतीय मानक संस्थान। तो दोनों आते हैं, यह तो आपको इनको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे ट्राइस्केयर के बारे में। ये क्या है आपका ट्राइस्केयर है, ट्राइस्केयर को हिंदी में गुनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुनिया बोला जाता है। तो ये आपका गुनिया है। इसके भाग कौन कौन से हैं, ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। और ये वाला भाग क्या, ये आपका स्ट्रेट एज है। और जो ट्राइस्केयर जो होता है ये आपका 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। ट्राइस्केयर आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका सॉलिड टाइप, ठीक है ना, फिक्स भी बोल सकते हैं उसको, फिक्स्ड टाइप, ठीक है ना। ये फिक्स टाइप है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे रिवेट लगी होती है। एक होता है एडजस्टेबल, ठीक है। तो ये आपका फिक्स टाइप है। एडजस्टेबल टाइप में क्या होता है, ब्लेड को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि जो ट्राइस जो उसके जो होता है वो उसकी लंबाई और मटेरियल है वो कौन कौन सी चीज़ से बना हुआ होता है। क्योंकि ये जो सारा स्पेसिफिकेशन प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे की तरफ देखिए BIS और IS के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिकेशन है, ये लिया हुआ है। ये DRDO का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो इसी के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ब्लेड की लंबाई की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर एक ट्राइस के बना लेता हूँ छोटा सा, ताकि आपको साथ साथ समझ आता रहेगा। ये अपना बन गया है ट्राइस्केयर, ठीक है। ब्लेड की लंबाई की अगर हम बात करें तो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ब्लेड की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी 150 mm। कहाँ से कहाँ होती है, क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी जो होती है वो होती है आपकी 150 mm, ठीक है। ब्लेड की चौड़ाई की अगर हम बात करें, विड्थ, वो होती है 25 mm कहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ब्लेड स्ट्रोक 4 mm, विद स्ट्रोक 6 mm, विदाउट स्ट्रोक। ब्लेड की अगर थिकनेस की अगर हम बात करें तो ब्लेड का जो आगे का किनारा जो होता है ब्लेड, उसकी जो मोटाई जो होती है इतना का होता है ये, ठीक है ना, वो 4 mm से लेके और 6 mm तक होता है। उसके बाद मटेरियल की अगर हम बात करें, ब्लेड जो बना होता है हमेशा आपको याद रखना है स्टेनलेस स्टील का। ये जो वाला ब्लेड है ये किस चीज़ का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और अपने जितने भी स्टील जो रूल होते हैं वो कौन सी चीज़ के बने होते हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टोक की अगर हम बात करें मटेरियल की, ये जो स्टोक इसको हम बोलते हैं स्टोक, तो ये आपका बना होता है हमेशा कास्ट आयरन का। दोनों पूछे जाते हैं, ट्राइस्केयर का जो स्टोक है वो कौन से मेटल का बना होता है, तो आपको लिखना है कास्ट आयरन। अगर ब्लेड पूछा जाए तो वो आपको बताना है स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रोक की अगर लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 4 इंची होता है। यहाँ से लेके अगर हम स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 4 इंची, ठीक है ना। स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक की अगर चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 25 mm यानी 1 इंच, ठीक है ना। अगर स्ट्रोक की थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो उसकी जो ये जो इसकी मोटाई जो होती है वो होती है 12 mm। तो उसके बाद में देखें यहाँ पे इसके ऊपर जो ग्रेजुएशन जो होती है, काफ़ी सारे जो आपको देखने को मिलेंगे ट्राइस्केयर, प्लेन भी होते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी होते हैं। उसके ऊपर जो ग्रेजुएशन दी होती है वो मीट्रिक और वीटी सिस्टम में दोनों में दी होती है, ठीक है। उसके अगर शेप अगर देखें ट्राइस्केयर की, वो होता है आपका एल टाइप। अच्छा, हम बात कर लेते हैं ट्राइस्केयर जो है वो काम क्या आता है, ठीक है ना, इसका यूज़ क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ट्राइस्केयर का जो यूज मोस्टली होता है किसी भी
जॉब या कोई भी सतह हो, ठीक है, उसकी फ्लैटनेस यानी उसकी समतलता को चेक करने के लिए, और दूसरा प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब को या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, चौरस हो सकता है, ठीक है, उसका जो कॉर्नर जो होता है 90 डिग्री पे चेक करने के लिए, समकोण पर चेक करने के लिए ट्राइस्केर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो ट्राइस्केर है इसके ऊपर यहाँ पे कट मिलता है, छोटा सा कट मिलेगा, बिल्कुल ये मेरे से बड़ा लग गया, वो कट किस काम आता है, ठीक है ना, वो कट किस काम आता है, क्योंकि हम जब जॉब लगाते हैं इसमें, एक जॉब लगाएंगे इस तरीके से, स्क्वायर जॉब लगाते हैं, जोर से पहले ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है ना, जब हम इसको चेक करते हैं ना इस जॉब को, तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक बर होती है, बर आ जाती है आपको पता ही है, तो उसको स्थान देने के लिए ये कट जो है यहाँ पे लगा होता है, वो बर अंदर की तरफ से चली जाती है ताकि जो मेजर है यानी जो माप है वो सही लिया जा सके, ठीक है ना। तो ये सारे जो थे मैंने ट्राइस्केर के बारे में आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलिपर इनसाइड स्प्रिंग ज्वाइंट, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। कैलिपर प्रिय विद्यार्थियों आपके तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, आउटसाइड होता है, दूसरा कौन सा होता है, इनसाइड होता है, ठीक है, और तीसरा होता है ओल्ड लेग। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और ओल्ड लेग कैलिपर, तीन कैलिपर आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये कैलिपर कौन सा है अपने पास, इनसाइड कैलिपर है, यानी इनका मतलब है किसी भी जॉब के अंदर का माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। भाग देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं, तो देखिए इसको हम लेग बोलते हैं, देखिए लेग लिखा हुआ है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके बाद में देखिए एक रोलर सा लगा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फलक्रम रोलर, ठीक है। ये सॉलिड नट एंड वॉशर है, जहाँ पे ये एरो के निशान आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये नरल किया हुआ एक नट है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट थे, और मेन जो इसके अंदर क्वेश्चन रहेगा आपका, इसका जो साइज जो है वो कहाँ से कहाँ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनसाइड कैलिपर हो या फिर आपका आउटसाइड कैलिपर हो, ठीक है, या ओल्ड लेग कैलिपर हो, उसका साइज हमेशा ये जो रिवट सी लग रही है ना, इसको हम फलक्रम बोलते हैं आप, ठीक है ना। और इसकी ऑल ओवर जो लेंथ होती है, देखिए लेंथ कहाँ पे मेजर करा है, जहाँ पे ये टिका हुआ है और उसके बाद में जो लाइन बनती है, ठीक है ना, यहाँ से यानी ये फलक्रम के साइज से लेके और पूरी जो लेंथ जो होती है लेग की लेंथ, इसकी लेग की लेंथ तक उसका साइज हमेशा लिया जाता है तीनों कैलिपर का। तो आइए अब बात करते हैं कि ये बना किस चीज़ का होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मटेरियल, इसकी जो लेग जो होती है ये कार्बन एंड अलॉय स्टील की बनी होती है, ठीक है ना, कार्बन की भी बनी होती है और अलॉय स्टील की भी बनी होती है। उसके बाद में देखिए इसका जो स्प्रिंग है वो कार्बन स्प्रिंग स्टील का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, कार्बन स्प्रिंग स्टील का। तो स्प्रिंग कौन सा है प्रिय विद्यार्थी, स्प्रिंग इसको बोला जाता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी को एडजस्ट कर सकते हैं, ये छल्ला सा दिखाई दे रहा है ना गोल गोल, इसका स्प्रिंग है, तो ये आपका स्प्रिंग स्टील का भी बना होता है, ठीक है। लेकिन हम ISI स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो जो स्प्रिंग जो है कार्बन स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ये आपको याद रहे, कार्बन स्प्रिंग स्टील का बना होता है। उसके बाद फलक्रम जो रोलर है वो किस चीज़ का बना होता है, एंड नट हार्डनेस, ठीक है ना, एडजस्टेबल जो स्क्रू और ये जो दोनों जो होते हैं फलक्रम के बीच में, यानी एक जो रिवर्ट सील जो लगी होती है वो हार्डनेस होते हैं कितने पे, 400 से लेके 500 HV, इसको हम बोलते हैं हार्डनेस वीकर। क्या बोलते हैं, HV का फुल फॉर्म क्या बनता है, हार्डनेस वीकर। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी जो साइज जो है वो कहाँ से कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 75 mm, ठीक है, और उसके बाद 100 mm और 150 mm, 150 mm वाला जो है वो अधिकतर हम प्रयोग करते हैं। और ये जो अधिक से अधिक अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 300 mm तक, यानी 1 फुट तक हम जो है कोई भी अंदर या कोई भी जॉब का या कोई पाइप का अंदरूनी साइज जो है वो लिया जा सकता है। उसके बाद में तो ये तो नॉर्मल सारे हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया।
ये जो सारा जो स्पेसिफिकेशन है प्रिय विद्यार्थियों, ये किसके अकॉर्डिंग है? BIS IS के अकॉर्डिंग। उसके बाद में ये कौन सा कैलिपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके लिए। ये कैलिपर आपका हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। दूसरा नाम है इसका ओल्डेक कैलिपर, ठीक है। तीसरा नाम है इसका जेनी कैलिपर, ठीक है ना। जेनी कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ओल्डेक कैलिपर। ओल्डेक का मतलब क्या है, ये साइड से लंगड़ा है, देखिए ये टांग इसकी इस तरीके से, ठीक है। तो पार्ट तो मैंने पिछला सेम ही रहेंगे, लेग है, ठीक है ना। ये क्या है, स्प्रिंग है, इसको हम पैक बोलते हैं ऊपर वाला। ये क्या है, फलक्रम है। ये एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो टांग जो नज़र आ रही है, ये आपकी 45 डिग्री के ऊपर यहाँ पे मुड़ी होती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इसका। मेजरिंग लेंथ जो होती है वो 150 mm तक के नॉर्मली प्रयोग किया जाता है। लेग की अगर हम बात करें, भी कौन से मेटल की बनी होती है, कार्बन एंड अलॉय स्टील की इसकी लेग बनी होती है। स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग कार्बन स्प्रिंग स्टील का बना होता है। हार्डनेस एंड टेम्पर जो किया हुआ होता है, क्योंकि ये जो है आगे का जो पॉइंट जो होता है इसका ट्राइस के इसका ओल्डेक कैलिपर का, उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है आगे का जो पॉइंट जो है, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग टिप हार्डनेस, ये वो सेम ही आ गया, HV आ गया, यहाँ पे हार्डनेस विकर आ गया है। इसको किया जाता है 650 पे। कई बार आजकल जो काफ़ी सारे मैंने एग्जाम देखे हैं उसके अंदर HV भी पूछा जाता है कि HV की फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी रहेगी हार्डनेस विकर। उसके बाद में देखिए स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो साइज है वो किस साइज का मिलता है, वो 300 mm यानी 1 फुट तक हम जो आपका ओल्डेक कैलिपर है उसका प्रयोग करते हैं। और छोटा सा छोटा कौन सा होता है, 75 mm का, वो भी हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यूज़ देख लिए कहाँ पे होता है इसका यूज़ जो होता है इस कैलिपर का। लेआउट किसी भी जॉब पे लगाने के बाद में उस पर मार्किंग करने के लिए, ठीक है, लाइन खींचने के लिए ओल्डेक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से लाइन खींची जाती है, ठीक है ना। अगर पैरेलल दो लाइन खींचनी हो वो भी हम आसानी से खींच सकते हैं। ओल्डेक कैलिपर का जो प्रयोग है, कोई राउंड जॉब जो होती है उसके ऊपर सेंटर निकालने के लिए, जैसे राउंड कोई जॉब है यहाँ पे, ठीक है, उसका जो सेंटर जो निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ओल्डेक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ओल्डेक कैलिपर भी दो प्रकार के, एक स्प्रिंग ज्वाइंट होता है, दूसरा फिक्स टाइप होता है। ये कौन सा है, ये स्प्रिंग ज्वाइंट है, ठीक है ना। स्प्रिंग लगा हुआ होता है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, फिक्स टाइप में एक रिवेट लगी होती है। ये कौन सा है आपका कैलिपर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका आउटसाइड कैलिपर। तीन प्रकार के कैलिपर मैंने बता दें, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और ओल्डेक कैलिपर। ये आपका आउटसाइड का मतलब है कोई भी जॉब जो है आपका, उसका बाहरी जो माप जो है लेने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई जॉब है, ठीक है, इसका साइज इधर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई साइज लेना होता है तो हम किससे लेंगे, आउटसाइड कैलिपर से लेंगे। साइज कैसे लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर साइज तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये इसका प्रयोग करने के बाद में हम यहाँ पे दो प्रयोग करेंगे, इस साइड से, मैं इस साइड से और इस साइड से लगा के इसको आसानी से, और इसका जो साइज जो है स्टील रूल की सहायता से चेक करें, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष मापी टूल होते हैं यानी उपकरण होते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा है आपका आउटसाइड कैलिपर, आउट का मतलब भारी माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेग किसको बोलते हैं, ये इसकी लेग है और ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको हम फलक्रम बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, ठीक है। वही बात है, इसका जो साइज जो है वो कहाँ से कहाँ लिया जाता है, तो देखिए इसका जो साइज है वो आपको एक बार फिर रिपीट कराता हूँ, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको फलक्रम रोलर है, इसको हम रिवेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिक्स टाइप में होता है तो उसको रिवेट बोलते हैं। और आपका ये स्प्रिंग ज्वाइंट है, इसमें फलक्रम रोलर लगा होता है, रोलर के ऊपर ये मूव करता है। लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए ये लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ लेकर इसका साइज लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल देखते हैं इसका। तो देखिए इसकी लेग जो होती है कार्बन एंड अलॉय स्टील की बनी होती है। स्प्रिंग की बात करें तो कार्बन स्प्रिंग स्टील का ये बना होता है। फलक्रम के अगर देखें और एडजस्टिंग स्क्रू
साथ में और नट, ठीक है, इसकी जो हार्डनेस जो होती है वो 400 से 500 एचवी या हार्डनेस वीकर के अकॉर्डिंग इनको गर्म करके इस टेम्परेचर के ऊपर इनको गर्म करके इनको बनाया जाता है। मेजरिंग टिप हार्डनेस की अगर हम बात करें, मेजरिंग टिप हार्डनेस कौन सी होती है, तो देखिए ये जो भाग जो है ये इनको यहाँ से लेके ये जो टिप जो है आगे की, इसको हमेशा हार्डनेस कर दिया जाता है ताकि हम कोई भी जॉब का साइज लेते हैं तो ये घिसे ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप बात को। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, मेजरिंग टिप हार्डनेस ये की जाती है 650 एचवी पे, ठीक है ना, एचवी का मतलब हार्डनेस वीकर। पूछा जाता है कि जो आपके आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, ओल्ड लेग है, उनका मेजरिंग टिप हार्डनेस कितना होता है, तो आपको प्रिय विद्यार्थियों बताना है 650 एचवी, क्योंकि थोड़े ये डीपली क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था आपको। उसके अकॉर्डिंग BIS और IS के अकॉर्डिंग हम सारा जो है जो क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो इसमें नॉर्मल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, नॉर्मल साइज देख लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग जो होती है इसकी आउटसाइड कैलिपर की वो होती है 75 mm से लेके और अधिकतम होती है इसकी 300 mm तक, हम किसी भी जॉब का साइज है वो आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद में डिवाइडर पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों कम से कम ये 200 के करीब आपके टूल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो लगभग आज हम 6 ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 6 से आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका डिवाइडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिवाइडर क्या काम आता है, किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, कोई रेखाओं को डिवाइड कर सकते हैं, कोई हम सर्कल लगा सकते हैं, कोई हम आर्क यानी कोई चाप लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर हमेशा ये डिवाइडर आता है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन के ऊपर या कोई मेटल के ऊपर, ठीक है ना, या फिर कॉपी के ऊपर कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर के पैक बोलते हैं ऊपर वाले को, इस खूंटी हिंदी में खूंटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंग है। ये क्या है, फलक्रम है जिसके ऊपर जो है ये मूव करता है, इसको हम बाल बोलते हैं। ये नर्लिंग नट है, एडजस्टिंग स्क्रू भी हम इसको बोल सकते हैं, एडजस्टिंग नट भी बोल सकते हैं। ये लग है, लेग है। और साइज देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फलक्रम के सेंटर से लेके पूरी लेंथ तक इसका साइज हमेशा लिया जाता है। तो ये इसके पार्ट यानी भाग थे। तो आइए देख लेते हैं कौन से साइज का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मेजरिंग लेंथ की अगर हम बात करें तो वो होती है 150 mm, जो सामान्य कार्यों में प्रयोग इसका किया जाता है। अगर इसके लेग की अगर हम बात करें तो वो माइल्ड स्टील की बनी होती है, बिल्कुल कच्चा होता है क्योंकि ये सिर्फ निशान ही लगाता है। और हार्ड एंड टेम्पर्ड, इसकी जो लेग जो होती है उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है विद फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के साथ, ठीक है। और मटेरियल की बात करें तो ये हमेशा इसका देख सकते हो आप, मटेरियल टू ड्राइव सेल बी रोडेड ड्रान द कास्ट ब्रास स्टेनलेस स्टील मेजरिंग टिप एंड हार्डनेस इतने विकर पे। तो ये जितने भी सारे बताए हैं, रोलर लगा हुआ है उसमें, ठीक है, स्टेनलेस स्टील मेजरिंग टिप आगे की हार्डनेस है, उनको 650 एचवी यानी हार्डनेस विकर पे उसको गर्म किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। अगर उसके फलक्रम और एडजस्टेबल स्क्रू या नट को इनको 450 से लेके 500 एचवी तक नॉर्मल साइज देख लेते हैं इसका, वही है सेम ही है सभी का, 75 mm से लेके 300 mm तक के जो हैं आपके ये डिवाइडर जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूज भी लिखा हुआ है और BIS और IS, BIS का क्या बनता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है भारतीय मानक ब्यूरो, और इंग्लिश में अगर हम बात करें ISI की तो इसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी भारतीय मानक संस्थान। तो ये डिवाइडर हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्प्रिंग ज्वाइंट होता है, दूसरा फर्म ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो कंपास की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं, इसमें एडजस्टिंग स्क्रू होता है, आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका एक स्क्राइबिंग पॉइंट जो होता है आगे का, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग जो मोस्टली किया जाता है ब्लैक स्मिथी के अंदर, ठीक है, और शीट मेटल में और वुडन वर्क में सबसे अधिक जो प्रयोग इन तीनों में ही किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों 6 जो टूल थे मैंने आपको बता दिए हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी सारे हैं देख सकते हो आप, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, जितने भी टूल जो हैं आ जाएंगे धीरे धीरे।
तो ये क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों हर एक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।